Assalamu alaikum. Welcome to our new learning series. चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम 1.1 इंट्रोडक्शन जो है उसको पढ़ेंगे। अगर हम इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखें तो कुछ इस तरह से है। आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में होगा, बाकी ओवरव्यू मैं इस चैप्टर का आपको दे रहा हूँ। तो आज के लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर की डिफिनेशन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है, उसके बाद कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या बेसिक ऑपरेशन जो है परफॉर्म करता है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर उसको हम देखेंगे, और मॉडर्न यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन आवर डेली लाइफ इसको हम देखेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसकी डिफिनेशन सिर्फ देखेंगे हम। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर हम टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देखेंगे और इस तरह से बाकी चीज़ों को देखेंगे। और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम कंप्यूटर हार्डवेयर, जिसके अंदर इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शन इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर को डिफाइन करें कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो क्या करती है कि इनपुट लेती है, उसके ऊपर प्रोसेस करती है और फिर हमें आउटपुट देती है, और अगर ज़रूरत हो तो डेटा को स्टोर भी कर सकती है। यानी मेन पार्ट इसके अंदर ये हैं इनपुट डिवाइसेस जो डेटा को गेट करेंगी। इसके बाद हमारे पास मेमोरी है, जिसमें डेटा जितना भी है 0101 की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होके जाता है, इस पर हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट होगा, यानी CPU होगा, जो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, कैलकुलेशन करेगा हर तरह की। इसके बाद कैलकुलेशन के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर हमें शो हो जाएगा, और अगर हमें अपने इस रिज़ल्ट को या किसी भी डाटा को स्टोर करना होगा तो हमारे पास स्टोरेज यूनिट होगा, जहां पे हम डाटा को स्टोर कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस की। हम हर उस चीज़ को कंप्यूटर कह सकते हैं जो इनपुट ले और उसकी आउटपुट हमें शो करें, यानी इनपुट हो, उस पर प्रोसेस हो और उसकी आउटपुट हमें शो हो। तो इसको हम इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस के जो इनपुट लें, प्रोसेस करें और आउटपुट हमें दें, इसको हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहते हैं। यानी एक तो हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर है, जिसके अंदर हमारे पास कीबोर्ड, माउस और इस तरह से मॉनिटर और इस तरह की सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिनके अंदर एम्बेडेड चिप्स होती हैं, चिप लगा दी जाती है जो किसी खास टास्क को परफॉर्म करने के लिए लगाई जाती है। जैसे आपके पास कैलकुलेटर है, तो ये कैलकुलेटर जो है ये कंप्यूटिंग डिवाइस है, जो क्या करता है कि इनपुट लेता है, कैलकुलेट करता है और आपको रिजल्ट शो करता है। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जो क्या करती हैं कि डेटा को गेट करती हैं और उसके बाद जो है उसका रिजल्ट हमें शो करती हैं। जिस तरह से हमारे पास ATM मशीन है, जिस तरह से हमारे पास कैलकुलेटर है, जिस तरह से हमारे पास वॉशिंग मशीन है, इसी तरह से इलेक्ट्रिक आपके पास क्लॉक है और सेल फोन है, ये वो सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर की तरह से काम करती हैं। यानी ये हमारे पास उस तरह से कंप्यूटर तो नहीं है जिस तरह से कंप्यूटर आप एक जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लेकिन इन सब का फंक्शन भी कंप्यूटर की तरह से होता है, तो इसलिए इनको हम कंप्यूटिंग डिवाइसेस कहते हैं। इसके अंदर और आपके डिफरेंट जो बच्चों के खिलौने हैं वो भी शामिल हैं, इस तरह से माइक्रोवेव ओवन है और इस तरह की बेशुमार डिवाइसेस हैं जिनके अंदर जो है चिप फिट कर दी जाती है और इसके बाद वो डिवाइसेस जो हैं वो कैलकुलेशन करती हैं और हमें रिजल्ट देती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर, कि कंप्यूटर जो है वो कौन से बेसिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। तो जिस तरह से हमने देखा कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो है जो बेसिक उसके अंदर 5 कंपोनेंट्स हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मेन मेमोरी है और CPU है।
तो इसमें से इनपुट डिवाइसेस जो हैं ये डाटा को गेट करती हैं। ये डाटा आपका टेक्स्ट हो सकता है या नंबर हो सकते हैं, कोई पिक्चर हो सकती है, मूवी हो सकती है, साउंड हो सकती है, किसी भी टाइप का ये डाटा हो सकता है। तो ये डाटा आप इनपुट डिवाइसेस से इंटर करेंगे। तो डिफरेंट टाइप का डाटा होगा तो डिफरेंट टाइप की इनपुट डिवाइसेस होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने टेक्स्ट को इंटर करना है तो कीबोर्ड से इंटर करेंगे, नंबर्स को इंटर करना है तो वो भी कीबोर्ड से इंटर होगा, पिक्चर को इंटर करना है तो ये कैमरे से या स्कैनर से इंटर होंगी। इसी तरह साउंड के लिए आप जो है माइक्रोफोन जो है उसको यूज़ करेंगे, मूवीज़ वगैरह को इंटर करने के लिए आप कैमरा यूज़ करेंगे। तो ये इनपुट डिवाइसेस होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनसाइड द सीपीयू क्या होगा, जब आप कंप्यूटर के अंदर डाटा को इंटर करते हैं तो किसी भी तरह का डाटा हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, पिक्चर्स हो, मूवीज़ हो, तो वो बाइनरी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि कंप्यूटर को जो चीज़ समझ आती है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है। कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर मुश्तमिल है। ये हार्डवेयर जो है ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपके इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की दो ही जो हैं स्टेजेस हैं, या तो ऑन होती है या ऑफ होती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी सर्किट जो है वो ऑन होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये वन है, और जब कोई भी सर्किट जो है वो ऑफ होता है तो उसको हम कहते हैं ज़ीरो है। तो इसलिए जितना भी डाटा कंप्यूटर में जाएगा वो ज़ीरो और वन की फॉर्म में कन्वर्ट होकर जाएगा, यानी वो सर्किट्स के अंदर जब जाएगा तो वहाँ पर या तो इलेक्ट्रिसिटी होगी तो उसको हम कहेंगे ये वन है, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो उसको हम कहेंगे ये ज़ीरो है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइसेस की, तो आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर जितना भी आपके पास डाटा आएगा ये इंफॉर्मेशन होगी आपके पास, ये रीडेबल फॉर्म के अंदर होगा और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर होगा। आउटपुट डिवाइसेस आपको रिजल्ट शो करेंगे, ये रीडेबल होगा। रीडेबल क्या मतलब कि कंप्यूटर के अंदर तो जितना भी डाटा था वो 0101 की फॉर्म के अंदर था, लेकिन जब ये आपके पास आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आएगा, जैसे आपके पास मॉनिटर है, जैसे आपके पास प्रिंटर है, या जैसे आपके पास जो है स्पीकर हैं, तो यहाँ पे भी अगर डाटा जो है 0101 की फॉर्म के अंदर हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी होंगी ये इसको कन्वर्ट करेंगी बाइनरी को रीडेबल फॉर्म के अंदर, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म के अंदर। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस के अंदर आपके पास मॉनिटर हैं जो सॉफ्ट कॉपी को शो कर रहे होते हैं, प्रिंटर हैं जो हार्ड कॉपी को शो कर रहे होते हैं, इसी तरह से प्लॉटर्स हैं, स्पीकर हैं जो आपकी वॉइस को जो है, जो आपकी वॉइस है उसको वहाँ पे आप सुन रहे होते हैं स्पीकर्स के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे स्टोरेज डिवाइसेस की। तो स्टोरेज डिवाइसेस वो होंगी जो डाटा को स्टोर करेंगी, जो भी डाटा आपके पास है अगर आपने उसको परमानेंट रखना है तो उसको स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर सेव करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक ऑपरेशन है वो इनपुट ऑपरेशन है, जिसमें डाटा जो है इंटर होता है कंप्यूटर के अंदर, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग ऑपरेशन है जिसके अंदर क्या है कि आपके डिफरेंट कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन आपकी एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर लॉजिकल आपके ऑपरेशन होते हैं कि दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है कि क्या फर्स्ट चीज़ जो है दूसरे से वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, या इक्वल है। इसी तरह से वो दो चीज़ें आपके दो नंबर जो हैं वो आपके नॉट इक्वल हैं या इक्वल हैं, इनको कंपेयर किया जाता है। तो आपका प्रोसेसर एक्चुअली वो इस तरह की सारी कैलकुलेशंस को कर रहा होता है, वो चीज़ों को कंपेयर कर रहा होता है, और वहाँ पे अर्थमेटिक डिफरेंट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आपके पास आउटपुट पे आपको रिजल्ट मिलेगा, इसको हम आउटपुट ऑपरेशन कहेंगे, जो आपके पास आउटपुट डिवाइसेस पे शो होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर हैं, उसमें सबसे पहले आपके पास सुपर कंप्यूटर है। ये लेक्चर हम पहले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसके अंदर डिटेल से डिफरेंट डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल से बताया गया है, यहाँ पर हम इसको मुख्तसर थोड़ा सा बताएँगे। तो सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास वो सुपर कंप्यूटर की है। सुपर कंप्यूटर आपके सबसे लार्जेस्ट कंप्यूटर हैं, ये साइज़ में बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, और ये आपके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर हैं। इसके अलावा ये आपके पावरफुल कंप्यूटर हैं, यानी कैलकुलेशन पावर सबसे ज़्यादा आपके पास सुपर कंप्यूटर की है, जो आपके ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कर रहे होते हैं, यानी एक सेकेंड के अंदर खरबों के हिसाब से इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म हो रही होती हैं।
इस तरह के जितने भी कंप्यूटर हैं उनको हम यूज़ करते हैं कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए, कि जहाँ पे आपके पास कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन आपने करनी होती है तो उसके लिए हम सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम यूज़ करते हैं सेटेलाइट प्रोसेस के लिए, कि जो आपके जितने भी सेटेलाइट जो काम कर रहे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी डिफरेंट मूवमेंट और उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको सुपर कंप्यूटर पे जो है वो हैंडल किया जाता है। इसके बाद आपका जितना भी मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको जो है यहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर जो है हैंडल किया जाता है। ऑयल और गैस की जितनी भी उनके अंदर जितनी भी प्रोडक्शन है उनको जो है डिस्कवर जब किया जाता है, उनकी जितनी भी सिमुलेशंस हैं वो सुपर कंप्यूटर्स पे की जाती हैं। वेदर फोरकास्टिंग है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में और नेक्स्ट वीक के अंदर आपका मौसम किस तरह से रहेगा, डिफरेंट जगहों पे ज़मीन के अंदर क्या जो है चेंजिंग आ रही हैं, इस तरह की जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं और पूरी ज़मीन का जो है एटमॉस्फेयर और वहाँ का टेम्परेचर और इस तरह की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सुपर कंप्यूटर्स को जो है वो फीड की जाती हैं और वो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपका वेदर फोरकास्टिंग क्या होगी वो सारी की सारी कैलकुलेशन आपको करके देता है। इसके अलावा फिर न्यूक्लियर टेस्ट जितने भी किए जाते हैं उनकी सिमुलेशंस भी आपका सुपर कंप्यूटर पे जो है वो हासिल कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास सुपर कंप्यूटर है तो न्यूक्लियर टेस्ट को करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका सुपर कंप्यूटर उसके रिजल्ट्स जो है वो आपको शो कर सकता है कि इस न्यूक्लियर टेस्ट के क्या रिजल्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी साइंटिफिक रिसर्च है उसके अंदर जो है सुपर कंप्यूटर को यूज़ किया जा सकता है। तो सुपर कंप्यूटर आपका इस तरह की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं उनको करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये आपका एक मोस्ट एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगा आपका कंप्यूटर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा जगह लेता है और जितने भी साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं और इस तरह की जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सुपर कंप्यूटर पर की जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर भी पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, ये भी तकरीबन ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो पर सेकंड जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये भी आपके लार्ज कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर की तरह ये भी आपके लार्ज कंप्यूटर होते हैं। मल्टीपल आपके इसके अंदर प्रोसेसर, मल्टीपल हार्ड ड्राइव, मल्टीपल मेमोरीज, इस तरह से उनको मिक्स करके उनको मिला के जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो बनाए जाते हैं। मिलियंस ऑफ यूज़र्स को ये एक ही वक्त में सपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी एक वक्त में बहुत सारे लोग जो हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं और ये एक आपका सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है जो क्या करता है सबको डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है। सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में फ़र्क ये है कि आपका सुपर कंप्यूटर एक जनरल पर्पस का है जिसको आप किसी भी तरह की कैलकुलेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर को किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया जाता है, किसी ख़ास यूनिवर्सिटीज़ के लिए या किसी ख़ास स्पेसिफिक लेबॉरेटरीज़ के लिए या बैंक के लिए या इस तरह की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसको बनाया जाता है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी काम हैं उन सब को जो है वो हैंडल कर रहा होता है और इसके अंदर मिलियंस ऑफ यूज़र्स को एक ही वक्त में वो हैंडल कर रहा होता है, उनको डाटा जो है प्रोवाइड कर रहा होता है। तो किसी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप जो है क्रिटिकल जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको उनके ऊपर प्रोसेस करने के लिए जब आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है तो उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये भी आपके लार्ज कंप्यूटर हैं, जिस तरह से हमने पहले भी बात की है। इसके अंदर जो है सर्वर्स आपके, इसके अंदर वर्क स्टेशन आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं और पर्सनल कंप्यूटर भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको सेंट्रलाइज डाटा जो है ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह से है, सिर्फ फ़र्क ये है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हैं और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास इतने यूज़र्स नहीं हैं या इतना डाटा नहीं है तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर को जो है उनको उसको ख़रीद नहीं सकती हैं, तो उसकी जगह पे फिर मिनी कंप्यूटर जो है यूज़ किए जाते हैं। तो मिनी कंप्यूटर यूँ आप समझें कि ये एक सर्वर की तरह से है जो किसी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन को जो है उसको हैंडल करने के लिए, उसकी सारी कैलकुलेशन करने के लिए इनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी लार्ज आपके कंप्यूटर हैं, ये भी आपके एक्सपेंसिव कंप्यूटर हैं, यानी काफ़ी महंगे आपके कंप्यूटर ये आते हैं। ये आप यूँ समझें कि हज़ारों यूज़र्स को एक ही वक्त में
हैंडल कर रहे होते हैं, उनको डाटा जो है प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसको बिजनेस के लिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है, डिफरेंट बैंक इसको यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या डिफरेंट कॉलेजेस इसको यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पास जो है डाटा जो है वो ज़्यादा होता है उसके लिए आप मिनी कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर आपके बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कर रहे होते हैं, जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है वो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी आप जो है हंड्रेड ऑफ यूज़र्स को जो है वो एक ही वक्त में डाटा जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास माइक्रो कंप्यूटर हैं, स्मॉल कंप्यूटर हैं जो आप घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उनको हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ये सस्ते कंप्यूटर हैं, ये इसके अंदर आपके पास जो है वो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, इसके बाद आपके पास सिस्टम यूनिट होता है, मॉनिटर या एलसीडी होता है। इसके अंदर आपके पास या तो ये लैपटॉप की शक्ल में हो सकते हैं, या डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकते हैं, या टावर कंप्यूटर हो सकते हैं। ये भी आपके पास फास्ट कंप्यूटर होते हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो नॉर्मल घरों के अंदर जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन टुडे लाइफ। कंप्यूटर को वैसे तो हर फील्ड के अंदर यूज़ किया जाता है, आप किसी भी महकमे के अंदर चले जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाएं, आपको हर जगह पे कंप्यूटर मिलेगा। आप इसको घर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसको ऑफिस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, आप इसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हम इसके मॉडर्न यूजेस को देखेंगे, नॉर्मल यूजेस नहीं बल्कि मॉडर्न यूजेस इसको हम देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके पास मोबाइल कंप्यूटिंग है, उसके बाद आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग है, तीसरे नंबर पे क्लाउड कंप्यूटिंग पे हम बात करेंगे, और चौथे नंबर पे हम डेटा सेंटर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल मीन्स के मोबिलिटी, ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर मोबिलिटी है। मोबिलिटी मीन्स के आप उनको लेके कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो जितनी भी मोबाइल डिवाइसेस होंगी उनके अंदर क्या होगा कि आप नॉर्मल कंप्यूटर के तरह से इनके अंदर डाटा जो है इंटर करेंगे, इनके अंदर आप डाटा किसी भी तरह का वो वॉइस है, वीडियो है, या कोई भी आपका डाटा है उसको आप इंटर कर सकते हैं। ये नॉर्मल कंप्यूटर की तरह से पूरी प्रोसेसिंग करेंगी और आपको आउटपुट देंगी, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि इन डिवाइसेस को आप मूव कर सकते हैं, यानी आपको केबल को के साथ से आप अटैच नहीं होंगे बल्कि आप वायरलेस कनेक्शन आपके पास होगा और इन डिवाइसेस को आप यूज़ करते हुए कहीं पे भी आप मूव कर सकते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल्स होते हैं, जैसे आपके पास लैपटॉप है, जिस तरह से आपके पास जो है पीडी है, पोर्टेबल डिवाइसेस हैं आपके पास, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, पीडीए आपके पास, तो ये डिफरेंट आपके पास डिवाइसेस हैं जिनको आप क्या करते हैं यूज़ करते हैं, ये पूरे कंप्यूटर की तरह से काम करती हैं और इनको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। इनके अंदर बैटरी लगी होती है, पावर इसके अंदर जब बैटरी ख़त्म होती है तो दोबारा इनको रिचार्ज कर लिया जाता है। फिर इसके अलावा जो है वायरलेस कनेक्शन के साथ या इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, या किसी भी नेटवर्क के साथ आप वायरलेस के थ्रू जो है वो कनेक्शन आप बना सकते हैं और इन डिवाइसेस को आप मूव कर सकते हैं। तो इनका फ़ायदा क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, यानी आप कहीं पे भी मूव करते हैं और इन डिवाइसेस के थ्रू आप अपना जितनी भी कैलकुलेशन है उनको आप कर सकते हैं, अपने बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप कंप्यूटर को ओपन करें, जाके कंप्यूटर पे जाके काम करें, वो कंप्यूटर ऑन होगा फिर उसके बाद उसके ऊपर आप कैलकुलेशन करेंगे, तो ये डिवाइसेस जब आपके पास होंगी तो आप मोबाइल के थ्रू या आप लैपटॉप के थ्रू आप अपने डाटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और उसको आप मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो है प्रोडक्टिविटी वो बढ़ जाती है। फिर इसके अलावा इन डिवाइसेस के अंदर इंटरटेनमेंट ज़्यादा है। इंटरटेनमेंट तो आप नॉर्मल कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर भी आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आप मूव कर रहे हैं, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं पे भी हैं, तो मोबाइल को यूज़ करते हुए आप इंटरटेनमेंट और हर तरह की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास
लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस पे पहले भी बात हो चुकी है कि आप जो है मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी आप जा सकते हैं, आप सफ़र में हैं, आप घर के अंदर हैं, आप ऑफिस के अंदर हैं, आप कहीं पे भी हैं, तो आप मूव करते हुए इन डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि ये आपका टाइम जो है वो सेव करेगा, यानी आपको अपने कंप्यूटर के ऊपर जा कर बैठने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप कहीं से भी अपनी जितना भी आपका वर्क है उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी तरह से इजी है रिसर्च के लिए भी, यानी आप इजीली किसी तरह की भी रिसर्च कर सकते हैं गूगल को यूज़ करते हुए, या किसी भी आप सर्च एजेंट को यूज़ करते हैं और आप सर्चिंग कर सकते हैं और आप हर तरह के टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपने बिजनेस को है उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है कि आप सारी डिवाइसेस को, जो भी आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, इनको आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जितनी भी आपके पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, इनके अंदर आप क्या करते हैं कि डिफरेंट चिप लगा देते हैं, और वो चिप जो है वायरलेस के थ्रू आपके जो है मेन आपका जो सर्वर है उसके साथ कनेक्ट होता है, और उसके थ्रू जो है आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं। तो जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो आप अपनी इन डिवाइसेस को कहीं से भी आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी उनको हैंडल कर सकते हैं, कहीं से भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर क्या है कि आपके पास डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जो विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन के, यानी जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेंसर्स लगे हैं, जो खुद ही कैलकुलेशंस करती हैं, खुद ही डाटा को गेट करती हैं, खुद ही उसके ऊपर प्रोसेस करती हैं, खुद ही उसका जो है आउटपुट जनरेट करती हैं, और जो मेन सर्वर होता है या जो आपके पास मेन कंप्यूटर होता है या जो भी आपके पास मेन डिवाइसेस होती हैं उसके अंदर आपकी सारी कैलकुलेशन सारा डाटा जो है वो सेंड कर दिया जाता है, और उसको आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो है डिफरेंट आपके जो डिफरेंट सेंसर्स जो हैं वो यूज़ हो रहते हैं। इन सेंसर्स के अंदर आपके पास माइक्रोफोन हो सकता है, इन सेंसर्स के अंदर आपके कैमरे हो सकते हैं, इसके अलावा भी आपके पास डिफरेंट और सेंसर्स हो सकते हैं जो किसी जगह का हवा का दबाव जो है उसको नाप रहे हों, या किसी जगह पे स्मोक को उसको चेक कर रहे हों, या किसी जगह पे टेम्परेचर को नोट कर रहे हों। तो डिफरेंट टाइप के सेंसर जो हैं डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ये सेंसर जो हैं डिफरेंट जगह से ऑटोमेटिकली जो है डाटा को गेट कर रहे होते हैं और उसको मेन कंप्यूटर के अंदर या मेन सर्वर के ऊपर जो है इसको सेंड कर रहे होते हैं। तो ये इसकी एग्जांपल, जैसे आपके पास स्मार्ट हाउसेस हैं, स्मार्ट हाउसेस के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट सेंसर लगे हैं जो ऑटोमेटिकली आपके पूरे घर को जो है कंट्रोल कर रहे होते हैं, कि जैसे आप घर के अंदर इंटर जैसे ही आप होते हैं तो एक तो आपकी सिक्योरिटी है कि आपको जो पहले जो है एक्सेस दी जाती है वहाँ पे, वो आपके बायोमेट्रिक एक्सेस हो सकती है या आपके चेहरे को देख के आपका जो है मेन हाउस का जो है वो डोर जो है खुद ही ओपन हो जाए। इसके बाद जब आप घर के अंदर इंटर होते हैं तो खुद ही से लाइट्स जो है वो ऑन हो जाती हैं, सेंसर्स लगे हैं जो डिफरेंट आपको देखते ही या किसी भी ह्यूमन को जो है डिटेक्ट करते ही लाइट्स ऑन हो जाती हैं, पंखे ऑन हो जाते हैं, एसी ऑन हो जाती है, या टेम्परेचर के हिसाब से जो है डिफरेंट और चीज़ें जो हैं, जैसे आपके पास एसी है या जैसे आपके पास अगर सर्दी है तो उसके लिए हीटर जो है खुद जो है वो ऑन हो जाते हैं। इसी तरह से और डिफरेंट सेंसर्स जो लगे हैं, खुद ही टीवी जो है वो ऑन हो जाता है, खुद ही जब जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो टीवी ऑफ हो जाता है, और इसी तरह से बाकी डिवाइसेस जब वो देखती हैं कि घर के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई ह्यूमन नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफ हो जाती हैं। तो ये स्मार्ट हाउस इस तरह से हैं जिनके अंदर क्या है कि डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, और उन डिवाइसेस के अंदर छोटी छोटी चिप हैं जो उस पूरे हाउस को जो है वो कंट्रोल कर रही हैं। इसी तरह से एल्डर केयर, यानी बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनके साथ जो है डिफरेंट सेंसर जो हैं वो लगे हैं, जो क्या कर रहे हैं उनकी केयर कर रहे हैं, उनकी हार्ट बीट को चेक कर रहे हैं, उनके टेम्परेचर को चेक कर रहे हैं, उनकी डिफरेंट जो मूवमेंट है उनको जो है वो चेक कर रहे हैं, और मेन कंप्यूटर के ऊपर या सेंसर जो मेन आपका सर्वर है उसके ऊपर जो है डाटा को सेंड कर रहे हैं, और वो डाटा जो है वो किसी हॉस्पिटल से भी मॉनिटर किया जा सकता है, या कोई भी दूसरा बंदा उसको जो है अपने मोबाइल के ऊपर जो है उसके अंदर भी उसको मॉनिटर कर रहा होता है।
इसके अलावा फिर आपके पास जितनी भी ट्रैफिक कंट्रोल है उसको जो है वो इस डिफरेंट आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जो है कंट्रोल किया जा सकता है कि डिफरेंट व्हीकल्स हैं उनके अंदर जो है डिफरेंट सेंसर्स लगे हैं जो एक दूसरे को मैसिंग कर रहे हैं कि आगे जो है रोड ब्लॉक है या रोड जो है वो ओपन है या इस तरह के डिफरेंट। फिर आपके पास जितने भी इसके अलावा जितने भी ट्रैफिक के सिग्नल्स हैं वो इस तरह से डिफरेंट सेंसर्स के थ्रू जो है उनको कंट्रोल किया जा रहा है। फिर पार्किंग के लिए भी ये जो है डिफरेंट सेंसर्स हैं जो आपकी गाड़ी को पहले से बताएगा कि पार्किंग में किस जगह से आपके पास जो है खाली जगह है वहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। इस तरह से टूल कलेक्शन जो आपके पास जब आपकी गाड़ियाँ रोड पर चल रही होती हैं तो डिफरेंट जो टोल कलेक्शन होती है वहाँ पर जो पर्ची आप ले रहे होते हैं वो सारी ऑटोमेटिक हो सकती है। फिर इस तरह से लॉजिस्टिक जितनी है वो आपकी जितनी मैनेजमेंट आप कर सकते हैं कि आपने कोई भी पार्सल कहीं पे भेजा है तो वो इस वक्त किस जगह पे है, वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है नहीं पहुंचा है, उसकी करंट लोकेशन क्या है, वो आप सारी आप इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर रोड के ऊपर जितनी सेफ्टी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से आप बेशुमार जगह पे इस आईओटी को आप यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग को यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं जिनके अंदर डिफरेंट जो है सेंसर जो है उनको यूज़ किया जाता है। वो सेंसर जो हैं आगे जो हैं जो मेन सर्वर के ऊपर डाटा को सेंड कर रही होती हैं और इस तरह से सारी कैलकुलेशन हो रही होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, उसमें डाटा है, उसमें कंप्यूटिंग पावर है, उसमें और डिफरेंट टाइप की मैनेजमेंट है। क्या मतलब कि बजाय इसके कि आप अपने किसी भी डाटा को अपने कंप्यूटर के ऊपर सेव करें और फिर आप किसी और जगह से उसको डाटा को अगर आपको यूज़ करना हो तो उसका फिर क्या तरीका होगा कि आप अपने उस कंप्यूटर से डाटा को कॉपी करेंगे और किसी दूसरे कंप्यूटर में लेके जाएंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किसी भी जगह से आप जो है किसी भी डाटा को आप जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं या डिफरेंट जो आपकी कंप्यूटिंग पावर है उसको एक्सेस कर सकते हैं या आप कोई और एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि डिफरेंट रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं जिसमें आप डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं, आप कंप्यूटिंग पावर जो है वो भी आप वहाँ से शेयर कर सकते हैं और डिफरेंट और रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी कास्ट जो है वो रिडक्शन होगी, यानी कास्ट आपकी कम हो जाएगी, यानी बजाय आप जो है अपने घर के कंप्यूटर में भी किसी डाटा को सेव करें और उसी डाटा को आप किसी और ऑफिस के कंप्यूटर के ऊपर भी सेव करें, क्योंकि दोनों जगहों पे अगर आपको वो डाटा चाहिए होगा तो आपको दो डिफरेंट जगहों पे आपको सेव करना पड़ेगा, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होगा कि आपका डाटा जो है क्लाउड के ऊपर जो है सेव होगा तो आप उसको किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोकेशन और डिवाइस से इंडिपेंडेंट आप हो जाते हैं कि किसी खास जो है डिवाइस की ज़रूरत नहीं है या किसी खास लोकेशन पे जो डाटा आपका बड़ा है वहीं से आप एक्सेस नहीं इसको कर पाते, बल्कि आप किसी भी जगह से किसी भी डिवाइस से अपने डाटा को एक्सेस कर पाते हैं। इससे यह होता है कि आपके नेक्स्ट इसका एडवांटेज ये है कि आपकी मेंटेनेंस जो है क्लाउड कंप्यूटिंग की बड़ी आसान है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग को चलाने के लिए आईटी प्रोफेशनल जो हैं वो हायर किए जाते हैं, वो क्लाउड कंप्यूटिंग को चला रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अगर कोई मसला कहीं पे भी आता है तो आप उसकी मेंटेनेंस करें, क्योंकि ये आईटी प्रोफेशनल जो हैं आपको हर चीज़ जो है प्रोवाइड करें, ये आपको डाटा प्रोवाइड करें, ये आपको डिफरेंट जो है कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करें, इसके अलावा आपको और डिफरेंट रिसोर्सेज जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास ये है कि आप डाटा को मल्टीपल यूज़र जो हैं वो डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, यानी ये आपके पास क्लाउड के ऊपर डाटा होगा, किसी डाटा सर्वर के ऊपर आपका डाटा होगा और उसको डिफरेंट यूज़र जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि उस डाटा को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है, उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है कैलकुलेशन की जा सकती हैं, ज़्यादा अच्छे जो हैं रिज़ल्ट उससे जो है वो हैं जो है और ज़्यादा अच्छे जो हैं रिज़ल्ट वहाँ से
जो हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडर्न यूजेज ऑफ कंप्यूटर का, डेटा सेंटर। क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए हमें डेटा सेंटर्स की ज़रूरत होती है। डेटा सेंटर वो फिज़िकल लोकेशंस के हैं जहाँ पे जाके आपका डेटा जो है वो जाके सेव होता है। तो डेटा सेंटर्स के अंदर आपको ऐसी फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड करती हैं कि जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे होता है, फिर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो हैं डेटा सेंटर्स के अंदर होती है। यानी वो आपको स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप अपने डेटा को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। फिर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सारा आपको वहाँ पे मैसर होता है कि आप किसी भी जगह से अपने डेटा को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा फिर कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज से ये मतलब है कि फ़र्ज़ करें आपके पास इतना अच्छा कंप्यूटर नहीं है, लेकिन आपने कोई इस तरह की कैलकुलेशन करनी है, कोई सिमुलेशन करनी है जिसमें एक पावरफुल कंप्यूटर आपको चाहिए है, तो डेटा सेंटर्स ये आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से वर्चुअल डेस्कटॉप बनाएं, वर्चुअल कंप्यूटर बनाएं, और आप अपने घर पे बैठ के एक बड़े कंप्यूटर पे जो है वो काम कर सकते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर्स को यूज़ करते हुए आप अपने काम को जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो हैंडल कर सकते हैं। डेटा सेंटर्स के अंदर आपके पास राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फायरवॉल्स हैं, स्टोरेज सिस्टम है, सर्वर्स हैं, और डिफरेंट और एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट और जो है रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट आप जो है सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं डेटा सेंटर्स को यूज़ करते हुए। डेटा सेंटर्स को यूज़ किया जाता है ईमेल्स और फाइल शेयरिंग के लिए, प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशंस के लिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, बिग डेटा के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, और इस तरह से वर्चुअल डेस्कटॉप्स वगैरह बनाने के लिए। तो बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं डेटा सेंटर्स को यूज़ करती हैं। जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाते हैं तो उसके बैकएंड पे आपको डेटा सेंटर्स की जो है ज़रूरत होती है। आज के लेक्चर को अगर हम बुक से देखें कि बुक में क्या बताया गया है, तो उसके मुताबिक ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को गैच करती है और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन जो है परफॉर्म करती है हाई स्पीड के साथ, और हमें रिजल्ट जो है आउटपुट डिवाइसेस पे प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमने कंप्यूटिंग डिवाइसेस देखा, ऐसी डिवाइसेस जिनके अंदर चिप लगी है और वो डिफरेंट कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करती हैं, जिसमें एटीएम मशीन है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, डिजिटल क्लॉक है, सेलफोन्स हैं, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक टॉयज हैं, बच्चों के खिलौने हैं। तो ये सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जो क्या करती हैं कि इनपुट लेती हैं, प्रोसेस करती हैं, और हमें आउटपुट उसकी प्रोवाइड कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमने बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर देखे, जिसके अंदर हमने कहा कि इनपुट ऑपरेशन क्या था कि डेटा को इंटर करना इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, ये आपका इनपुट ऑपरेशन कहलाता है। फिर इसके बाद उसके ऊपर जो है प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है। प्रोसेसिंग ऑपरेशन क्या है कि अर्थमेटिक और लॉजिकल जो है डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करना। अर्थमेटिक फंक्शंस के अंदर आपके पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन शामिल है, जबकि लॉजिकल ऑपरेशन में आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं कि चीज़ें या नंबर आपके फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर दैन सेकंड नंबर, और फर्स्ट नंबर इज़ लेस दैन सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर आर इक्वल टू सेकंड नंबर, और इस तरह से हम कंपेयर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑपरेशन है, बेसिक ऑपरेशन, वो आउटपुट रिजल्ट हैं, यानी आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर आपको जो है आउटपुट मिलती है, आपको रिजल्ट मिलते हैं, जिसमें मॉनिटर है, प्रिंटर है, और इस तरह की डिवाइसेस शामिल हैं। नेक्स्ट हमने स्टोरेज डिवाइसेस देखी। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस थी जो डाटा को स्टोर करती हैं, जिसमें आपके पास यूएसबी डिवाइस है, हार्ड डिस्क है, और इसी तरह से फ्लॉपी ड्राइव है, और इसी तरह से और डिफरेंट जो हैं स्टोरेज डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर देखा, जिसके अंदर हमने सुपर कंप्यूटर उसको देखा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हमने कहा कि लार्जेस्ट कंप्यूटर हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर हैं, कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है न्यूक्लियर रिसर्च के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में आपकी कैलकुलेशन होती है, जिसमें आपके पास आईबीएम के डिफरेंट सुपर कंप्यूटर हैं, और इसी तरह से और सुपर कंप्यूटर हैं।
इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जो सुपर कंप्यूटर है वो एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर के अंदर जो है यूज़ हो रहा है, तो सुपर कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये भी बड़े बड़े कंप्यूटर हैं, एक्सपेंसिव कंप्यूटर हैं, पावरफुल कंप्यूटर हैं, जो लार्ज कंपनीज और बड़े बैंक और यूनिवर्सिटीज़ और साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए इनको यूज़ किया जाता है, और ये ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है IBM के डिफरेंट जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। नेक्स्ट हमने बात की मिनी कंप्यूटर की। मिनी कंप्यूटर क्या हैं? सुपर कंप्यूटर से जो है छोटे कंप्यूटर हैं ये, अगर आपके ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कर रहे हैं तो ये बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कर रहे होते हैं, और ये भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कोई बड़ी कैलकुलेशंस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो आपके घरों के अंदर कंप्यूटर यूज़ हो रहे होते हैं उनको हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं, ये भी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो हैं वो यूज़ होते हैं, जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है पर सेकंड जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमने मॉडर्न यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स उनको हमने देखा, जिसमें हमने सबसे पहले मोबाइल कंप्यूटिंग को हमने देखा, जिसके अंदर मोबाइल्स हैं, जिसके अंदर PDA हैं, जिसके अंदर आपके लैपटॉप हैं जो यूज़ होते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के लिए, और मोबाइल कंप्यूटिंग जिन और मोबाइल कंप्यूटिंग मीन्स के ऐसे कंप्यूटिंग जिनको आप मूव करते हुए यूज़ कर सकते हैं, यानी वायरलेस कनेक्शन के थ्रू। इसके बाद हमने इंटरनेट ऑफ थिंग देखा के डिफरेंट जो आपकी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस हैं उनके अंदर हम चिप लगा लेते हैं, और वो चिप जो है वायरलेस के थ्रू कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश करती है, और अपने डाटा को जो है मेन कंप्यूटर के ऊपर या क्लाउड कंप्यूटर के ऊपर या क्लाउड जो या फिर आप डाटा सेंटर के ऊपर सेंड करती है, और वहाँ से फिर जो है उसको डिफरेंट तरीक़ों से जो है या डिफरेंट मकासद के लिए उसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने क्लाउड कंप्यूटिंग हमने देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग ये है कि आप जो है अपने डेटा को किसी भी जगह से, किसी भी कंप्यूटर से या किसी भी डिवाइस से जो है उसके ऊपर जो है सेव कर सकते हैं, और उसको किसी भी जगह से, किसी भी लोकेशन से उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने डेटा सेंटर की बात की कि डेटा सेंटर वो हैं जो आपके डेटा को सेव करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट जो हैं वो सर्वर्स हैं लगे हुए हैं, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, जिसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर है, जो आपको ऑन डिमांड जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू जो है डेटा को प्रोवाइड कर रही होती हैं। जो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।